एक लोमड़ी और एक पंछी। एक लोमड़ी और एक पंछी। एक बार की बात है, एक धूर्त और आलसी लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी को केवल मजे से समय बिताना पसंद था और उसे जंगल में काम करना पसंद नहीं था। लोमड़ी को धूप में लेटने, अच्छा खाना खाने और कुछ ना करने में मजा आता। लोमड़ी अन्य प्राणियों का उपयोग करने के लिए भी जानी जाती थी और इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। एक बार लोमड़ी खरगोश से मिली और बोली, प्यारे खरगोश, क्या तुम मेरे घर को साफ करने में मेरी मदद करोगी? पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगा। ठीक है। और इसलिए खरगोश लोमड़ी के घर को साफ करने चला गया। खरगोश फर्श और खिड़कियाँ और आसपास की हर चीज को साफ कर दिया। जब वो थक गया तो कुछ पीने को मांगा। प्यारी लोमड़ी, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। ओ जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद। एक घंटे बाद खरगोश ने फिर पूछा, प्यारी लोमड़ी, मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। अरे मुझे पता है, बस थोड़ा धीरज रखो। मैं एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मैं पीने के लिए कुछ लाता हूँ, लेकिन बाद में, ठीक है? मुझे भूख भी लग रही है। बस ये काम खत्म कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा। कुछ समय बाद खरगोश थक गया, लेकिन लोमड़ी कभी भी उसे पीने या खाने के लिए कुछ भी नहीं दी। मैं बहुत थक गया हूँ, अब और काम नहीं कर सकता। लेकिन आपको काम करना है, जब तक काम खत्म नहीं करोगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। और खरगोश ने काम करना जारी रखा। बहुत थक जाने के बाद उसने वादा किया हुआ खाना फिर से मांगा। क्या खाना? कैसा खाना? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ, कोई खाना नहीं है। पर तुमने वादा किया था। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया है। पर मुझे अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। तुमने कोई भी कड़ी मेहनत नहीं की, बस शुक्रगुजार करो कि मैंने तुम्हें खाया नहीं। इन शब्दों के साथ लोमड़ी ने खरगोश को दूर फेंक दिया। खरगोश बहुत थका हुआ, भूखा और निराश था। वो रोने लगा। एक चिड़िया पेड़ के शाखा पर बैठी थी। उसने खरगोश को रोते हुए देखा और पूछा, क्यों रो रही हो मेरी दोस्त? लोमड़ी ने मेरी मेहनत के बदले मुझे बहुत सारा खाना देने का वादा किया था, लेकिन लास्ट में उसने मुझे बिना खाना दिए बाहर भगा दिया और बहुत सारा काम भी करवाया। ओ, रो मत। मुझे बहुत भूख लगी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ। कुछ देर बाद चिड़िया खाना लेकर वापस आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अब अच्छा लग रहा है। हमें इस लोमड़ी को सबक देना होगा। पर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, चलो चले। जब वे लोमड़ी के घर पहुँचे तो पक्षी ने कहा, तुम दरवाजे पर रहो और लोमड़ी के आने पर मुझे बताना, इस बीच मैं खुली खिड़की से उसके घर में उड़ जाऊंगी और वो खाना ले आऊंगी जो उसने तुमसे वादा किया था। चिड़िया लोमड़ी के घर में उड़ गई और वहाँ से खाना लेकर बाहर आ गई। लोमड़ी बहुत धूर्त है, वो किसी को भी कुछ नहीं देती, बस काम करवा लेती है। उसके बाद किसी ने भी लोमड़ी पर कभी भरोसा नहीं किया। शिक्षा: हमेशा अपने वादे निभाओ, कभी भी आलसी मत बनो और दूसरों का फायदा मत उठाओ।